हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करना है। और दो पॉइंट्स दे रखा है, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है ये 2,5 एंड -3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सपोज करिए पॉइंट आपको दे रखा है -3,5, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। इस दोनों पॉइंट से जो पास कर रहा है उस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट का स्लोप, यानी ये लाइन का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप आप फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, टू पॉइंट फॉर्मेट में क्या होता है स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ 6-5 अपॉन -3-2, 1/-5, ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया। आपको इक्वेशन आप फाइंड करना है सी डी का, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर मिल जाएगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन हम राइट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m1 × m2 = -1। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा इसका, 5, 1/-5 × 5 कितना हो जाएगा, -1। तो ये स्लोप मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज y-y1। तो यहाँ y1 हो गया आपका 5 इक्वल टू 5 ऑफ x-3, तो ये x+3 हो गया। सो y-5 इक्वल टू 5x+15, दैट मीन्स 5x-y+20 = 0। ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू।